और इस बीच रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर बता दी, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पर कैग की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पर अस्पतालों में बगैर परीक्षण ही उपकरण खरीद लिए जाते हैं। 50 करोड़ के उपकरण खराब पड़े हुए हैं। कंपनियों ने खराब दवाइयों की भी सप्लाई की है। कंपनियों पर जुर्माना भी इसको लेकर नहीं लगाया गया। कंपनियों से डैमेज शुल्क भी नहीं लिया गया है। तो कैग की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब देखिए राजनीतिक गलियारों में भी हंगामा होगा। और सहयोगी अंकुश शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, इस कैग की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो कितना संगीन ये जो खुलासा है वो नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर तो न सिर्फ कई तरह की अनियमितताएं हैं बल्कि लोगों की जान से खिलवाड़ भी इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जब महालेखाकार दफ्तर में आज कैग की रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। दरअसल मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक के लिए तैयार की गई ये ऑडिट रिपोर्ट है जो स्वास्थ्य विभाग की गंभीर खामियों को उजागर करता है। इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में आज जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी भर्तियों में बड़ा अंतर है, कर्मचारियों की कमी बताई गई है। इसके अलावा 23 जिलों में जिला अस्पतालों में करीब 33% विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की इसमें कमी बताई गई है। और इसके अलावा कई तरह की ऐसी खरीदी है जिस विषय पर बताया गया है कि कई तरह की बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 2016 से 2022 के बीच सीजीएमएससी ने 3753 करोड़ रुपए की दवा और उपकरण और अन्य सामान खरीदे हैं, लेकिन उसमें भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। पूरी रिपोर्ट के अगर आधार पर देखा जाए तो पूरे वर्ष में करीब 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं खरीदी गई हैं। और इसके अलावा शासकीय मेडिकल कॉलेज में जो सीटें हैं वो भी नहीं भर पाई हैं। करीब 50 करोड़ की मेडिकल उपकरण जो है वो भी खरीदे गए थे जो बिल्कुल तरीके से पूरी तरीके से अनुपयोगी है, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर फिजूल खर्ची, फालतू खर्ची जो है इस रिपोर्ट में बताई गई है। उस रिपोर्ट के माध्यम से पिछले सरकार के कार्यकाल का या उस दौरान जिस सरकार ने काम किया है और जो खर्च किया है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, उस पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। और सीएजी की रिपोर्ट में चूंकि अभी तो ये स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, बाकी अन्य विभागों की रिपोर्ट आना अब ये देखना होगा कि कौन किसे इस कैग की रिपोर्ट को लेकर के घेरता है और सरकार इस रिपोर्ट को कितना संज्ञान में लेती नजर बना रखेगा। आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अंकुश। इधर बिलासपुर जिले के कोटा और रतनपुर क्षेत्र में रोजाना बड़ी संख्या में डायरिया और मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। बिलासपुर कलेक्टर ने कहा है कि दोनों क्षेत्र में मलेरिया और डायरिया पर नियंत्रण पाने की कोशिश हो रही है। स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला मुस्तैदी के साथ सेवा कार्य में लगा हुआ है। मलेरिया और डायरिया से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते तक यहां पर इन बीमारियों की पीक जारी रहेगी। जुलाई के प्रथम सप्ताह से केसेस आने स्टार्ट हुए थे और जैसा कि हर साल होता है हमारी टीम अलर्ट है। केसेस तो आ रहे हैं, कम आ रहे हैं और जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं। ये जो इसका जो आप कह सकते हैं पीक जिसको कहते हैं डॉक्टर्स, वो अगले हो सकता है हफ्ते 10 दिन अभी लगे हैं उसमें, तो केसेस जो है वो इधर। छत्तीसगढ़ में मलेरिया और डायरिया के प्रकोप पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि सरकार मलेरिया और डायरिया की रोकथाम के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डायरिया और मलेरिया की रोकथाम के लिए 1000 से ज्यादा रैप